हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यार फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग नए टॉपिक की बात करेंगे। नए टॉपिक का नाम है एमीटर। एमीटर जो है, इसके पहले हम लोग वीडियो में पढ़ चुके हैं, उसमें हमने बताया था कि किसी भी गैल्वेनोमीटर के समानांतर क्रम में अगर हम जोड़ देते हैं अल्प प्रतिरोध को, तो वो एमीटर का निर्माण कर देता है। तो एमीटर किस लिए बनाते हैं, सवाल ये है। एमीटर क्या होता है, एमीटर कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, ये सारी प्रॉब्लम इस वीडियो में हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एमीटर की परिभाषा। एमीटर क्या है? तो एमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसमें हम विद्युत धारा को मापते हैं। आप सवाल कर सकते हैं कि सर, तो फिर गैल्वेनोमीटर की क्या जरूरत होती है? तो आपको बताना चाहेंगे कि एमीटर और गैल्वेनोमीटर में क्या फर्क है। गैल्वेनोमीटर में हम किसी भी परिपथ में अल्प विद्युत धारा को मापने में प्रयुक्त करते हैं, जबकि एमीटर जो है वो किसी भी विद्युत परिपथ में हम विद्युत धारा को मापने में प्रयुक्त करते हैं। तो ध्यान से समझिए, वहां पे अल्प प्रतिरोध था और वहां पे अल्प विद्युत धारा था, यहाँ पे सिर्फ धारा है, न अल्प है न ज्यादा है, मीन्स यहाँ पे धारा की बात की जा रही है। तो एमीटर से क्या हम करते हैं, तो विद्युत धारा को मापते हैं, और गैल्वेनोमीटर से क्या करते हैं, वहां पर भी विद्युत धारा को मापते हैं, लेकिन वहां पे अल्प विद्युत धारा को मापते हैं। तो यहाँ पे हम बताएं कि एमीटर क्या है। एमीटर एक ऐसा उपकरण है जिससे हम किसी भी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापते हैं। अब सवाल ये है कि एमीटर को कैसे बनाया जाता है। तो ध्यान से समझिएगा, संट का मतलब होता है अल्प प्रतिरोध। जब अल्प प्रतिरोध को किसी गैल्वेनोमीटर के समानांतर क्रम में जोड़ देते हैं, तो वो एमीटर का निर्माण कर देता है। तो अब सवाल ये है कि किस तरह से जोड़ा जाए, तो हम आपको फिगर के माध्यम से बताने जा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, ये कोई गैल्वेनोमीटर है। इस गैल्वेनोमीटर के साथ हम एक अल्प प्रतिरोध को जोड़ देते हैं। अल्प प्रतिरोध जो होता है वो संट होता है। ये संट हो गया, इसको हम इस तरह से जोड़ देते हैं, तो ये बन जाता है एक समझिए कि एमीटर का निर्माण हो गया। एमीटर जिसको बोल देते हैं, ये अल्प प्रतिरोध, ये ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया। इसको इस तरह से कर लेते हैं, ये बन गया, तो इसको बोल देते हैं एमीटर। ये आपका एमीटर हो गया। जब इसमें आई धारा प्रवाहित कराते हैं, तो ये आई धारा दो भागों में डिवाइड हो जाता है। एक धारा जो है वो आईजी के रूप में हो जाता है, एक धारा आई माइनस आईजी बन जाता है। ध्यान से आप समझिएगा, जैसे गैल्वेनोमीटर के समानांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध को जोड़ देते हैं, तो वो गैल्वेनोमीटर अब एमीटर बन जाता है। यहां पर जैसी विद्युत धारा आई को प्रवाहित कराते हैं, तो आई दो भागों में बढ़ जाता है, एक आईजी और एक आई माइनस आईजी। आईजी का मतलब होता है कि वह धारा जो गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित हो रही है, और जो शेष धारा बचती है वो संट से प्रवाहित होती है। शेष कब होगा, जब पूरे धारा में से आईजी का मान घटाएंगे तो शेष धारा बचेगा, और शेष धारा जो होगा वो संट से प्रवाहित होगा। संट क्या होता है, हमने बता दिया कि संट एक अल्प प्रतिरोध को बोलते हैं, यानी कि अल्प प्रतिरोध को हम संट कहते हैं। तो इस तरह से गैल्वेनोमीटर के सामने समानांतर क्रम में संट प्रयोग करते हैं, संट युक्त करते हैं, संट को जोड़ देते हैं, अल्प प्रतिरोध को जोड़ देते हैं, तो वो एमीटर का निर्माण कर देता है। अब सवाल ये है कि इस संट का ये जो अल्प प्रतिरोध है, इसका मान कितना होना चाहिए, तो हम इसका मान ज्ञात भी कर सकते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, ज्ञात कैसे करेंगे, इसमें धारा आई जी और ये प्रतिरोध है, दोनों प्रतिरोध है, कैपिटल जी भी प्रतिरोध और एस भी प्रतिरोध है, तो दोनों समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं।
जैसे आप जानते हैं कि जब भी समानांतर क्रम में दो प्रतिरोध जुड़ते हैं तो उनका जो विभव होता है वो समान होता है। तो जब इसका भी विभव समान हो, इसका भी विभव समान हो, तो ओम के नियम से आप जानते हैं कि विभव भी इज इक्वल टू आई आर। तो हम जानते हैं ओम के नियम से गैल्वेनोमीटर के लिए हम भी इज इक्वल टू आई जी कैपिटल जी, इसको इक्वेशन वन कर लेते हैं, और सन के लिए भी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस कर लेते हैं, इसको इक्वेशन दो कर लेते हैं। चूंकि समानांतर क्रम में है, यहां पर लिख लेते हैं, इसलिए इनका विभव समान होगा, अतः समीकरण एक तथा दो से हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, आई स्मॉल जी कैपिटल जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस कर लेते हैं। इसलिए एस अगर निकालना हो तो आई जी बाई हम लिख सकते हैं आई माइनस आई जी इंटू कैपिटल जी कर लेते हैं। इस तरह से हम सन का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो ये गैल्वेनोमीटर का हम पूरी तरह से एमीटर में चेंज कर दिए, कब, जब हम सन को समानांतर क्रम में जोड़ दिए हैं। ये सन का मान कितना होगा इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। संट क्या है, तो संट एक अल्प प्रतिरोध है। संट क्या है, एक अल्प प्रतिरोध है। ध्यान से समझिएगा, जब इसका हम तुल्य प्रतिरोध की बात करें, यानी कि इस संयोजन की तुल्य प्रतिरोध की बात करें, तो तुल्य प्रतिरोध, इसको आप एक मिनट हम हट जा रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने कॉपी पे यूज कर सकते हैं, मीन्स इसको नोट कर लीजिएगा, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी पे जरूर लिखिएगा, नोट्स बनाइएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम आपको अभी बताने जाएंगे, जो कि वो हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान से समझिएगा, यदि आपसे ये पूछा जाए तुल्य प्रतिरोध समानांतर क्रम में जोड़े गए तुल्य प्रतिरोध, आप जानते हैं समानांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध को अगर ज्ञात करना हो तो फॉर्मूला हम जानते हैं, 1/R इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/G प्लस 1/S, यही जानते हैं। 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरह का फॉर्मूला को हम लोग समानांतर क्रम में जब जोड़ते हैं तो मिलता है। तो इसको आप जोड़ते हैं तो ये मिल जाएगा, ये जी प्लस एस बाय जी एस। सो आर इफेक्टिव इज इक्वल टू जी एस बाय, ये लिख सकते हैं, ये प्लट देते हैं, जैसे ही 1/R ef अगर प्लटते हैं तो ये भी प्लट देते हैं कैपिटल जी प्लस एस। यहां पर देख रहे हैं कि यदि जो है कैपिटल जी इज ग्रेटर देन एस हो, तब ध्यान से समझिए, कैपिटल जी मीन्स जो प्रतिरोध है गैल्वेनोमीटर का संट से बहुत अधिक हो, तो एस को अगर हम छोड़ देते हैं तो आर इफेक्टिव कितना हो जाएगा, कैपिटल जी एस बाय कैपिटल जी, ये कट जाएगा, तो हम लिख सकते हैं सो आर इफेक्टिव इज इक्वल टू एस। इसका मतलब होता है कि एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो अनंत मीन्स जीरो होता है। ध्यान से समझिएगा, जो अल्प प्रतिरोध का मान होता है वो जीरो होता है। याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि एमीटर में
प्रतिरोध का मान कितना होता है? तो हम कहेंगे एमीटर में प्रतिरोध का मान शंट का मान शून्य होता है, याद रखिएगा। सेकेंड जो क्वेश्चन है जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं कि प्रतिरोध मींस एमीटर को किसी भी परिपथ में यदि जोड़न धारा को ज्ञात करना हो तो किस क्रम में जोड़ा जाता है, समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है कि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ध्यान से आप क्वेश्चन को सुन लीजिए कि यदि किसी विद्युत परिपथ में धारा को मापना हो तो उस विद्युत परिपथ में एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, समानांतर क्रम में कि श्रेणी क्रम में, ये आप क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। तो वैसे हम आपको बता दे रहे हैं, याद रखिएगा कि कभी भी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को ज्ञात करना हो तो एमीटर को हमेशा हमेशा श्रेणी क्रम में विद्युत परिपथ के लगाया जाता है और धारा को मापा जाता है, याद रखिएगा। कभी भी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। अब सवाल ये है कि सर यदि हम विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर को समानांतर क्रम में जोड़ दें तो क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। यदि क्वेश्चन ये है कि एमीटर को अगर हम किसी भी विद्युत परिपथ में धारा मापने के लिए समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, तो आपको बताना चाहेंगे कि जो एमीटर है एमीटर जल जाएगा। क्यों जल जाएगा? क्योंकि विद्युत परिपथ में यदि हम एमीटर को समानांतर क्रम में जोड़ देते हैं तो उसमें प्रतिरोध जो होता है बहुत अधिक होता है, लेकिन एमीटर में जो प्रतिरोध होता है वो बहुत ही कम होता है जिसके वजह से धारा अधिक जाएगी। जब धारा अधिक जाएगा और जो समानांतर क्रम में अगर हम इसको विद्युत परिपथ में जोड़ देते हैं तो उसमें धारा अधिक होने के वजह से जो एमीटर होगा वो जल जाएगा। इसीलिए हम कभी भी समानांतर क्रम में एमीटर को धारा मापने के लिए जोड़ते नहीं हैं, याद रखे रहिएगा। अब एक क्वेश्चन इस पे हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल। आप भी इस न्यूमेरिकल को बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका आंसर कितना आया है। ध्यान से आप भी क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्वेश्चन हम बोर्ड पे लिखेंगे और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपका आंसर कितना आया है। क्वेश्चन 10 ओम प्रतिरोध का एक धारा मापी चार मिली एम्पियर की धारा के लिए पूर्ण विच्छेद देता है, इसको किस प्रकार जीरो से 5 एम्पियर सीमा तक के एमीटर में परिवर्तन किया जा सकता है।
समझिएगा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 10 ओम प्रतिरोध का एक धारा मापी 4 मिली एम्पियर की धारा के लिए पूर्ण विक्षेप देता है, इसको किस प्रकार 0 से 5 एम्पियर सीमा तक एमीटर में परिवर्तन किया जा सकता है। तो ध्यान से समझिए, जब भी परिवर्तन करना हो तो शंट का मान हमें ज्ञात करना होता है, यानी कि हमें शंट का मान निकालना है। इसमें एस पूछ रहा है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, कैपिटल जी का वैल्यू 10 ओम दिया है, लिख लेते हैं। और धारा मापी आई जी का मान दिया है 4 मिली एम्पियर, तो 4 × 10⁻³ एम्पियर कर लेते हैं। करा विक्षेप देता है इसको किस प्रकार 0 से 5 एम्पियर, मीन्स आई का मान दिया है 5 एम्पियर सीमा तक एमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है, मीन्स एस का मान पूछ रहा है। तो सिंस एस बराबर आप जानते हैं आई जी और बाई आई माइनस आई जी इंटू हम कैपिटल जी कर लेते हैं, तो यहां पर आई जी का मान अगर हम रखते हैं 4 × 10⁻³ और 5 माइनस आई जी के जगह पर 4 × 10⁻³ कर लेते हैं और इंटू 10। तो ध्यान से आप समझिएगा, जब इसको सॉल्व करिएगा तो एस का मान जो है 0.008 ओम होगा। ये आप कैलकुलेशन करिएगा और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि 0.008 ओम आया है कि नहीं। इस तरह से हम अगर हम इतना से इतना तक सीमा, यानी कि इतना से इतना तक करते हैं तो एमीटर के रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये न्यूमेरिकल आप भी बनाइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये आपका आंसर इतना आया है कि नहीं। तो एक बार फिर से आपको बताना चाहेंगे, एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो शून्य होना चाहिए। एमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। मीन्स आदर्श एमीटर की बात कर रहे हैं, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो शून्य होता है। हमेशा कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। यदि किसी विद्युत परिपथ में धारा को मापना होता है तो एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, समानांतर क्रम में कि श्रेणी क्रम में। तो याद रखिएगा, एमीटर को विद्युत धारा मापने के लिए विद्युत परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में लगाते हैं, श्रेणी क्रम में यूज करते हैं, तभी हम धारा मापते हैं। यदि इसको समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो एमीटर में बहुत अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होगा, जिसके कारण एमीटर जल जाता है। तो इस तरह से ये हमारा एमीटर का वीडियो आपको कैसा लगा, यदि वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और आप इस चैनल के लिए नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इसी तरह से हम लोग नए नए टॉपिक के साथ नए नए वीडियो में मिलते रहेंगे, तब तक के लिए।